नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं NN स्पोर्ट्स। IPL की सबसे बड़ी खबर जो इस समय की हमारे सामने आ रही है वो हम लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। IPL 2020 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये है कि IPL अब 29 मार्च से शुरू नहीं हो पाएगा। BCCI की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब 15 अप्रैल तक IPL नहीं होगा। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन को लेकर 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ही साफ कर दिया था, यानी कि अब से कुछ देर पहले ये साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो भी IPL के मैच होने थे वो कोई मैच नहीं होगा। कोरोना वायरस के कारण IPL स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। अब इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी। फ्रेंचाइजियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। BCCI के एक अधिकारी के मुताबिक टूर्नामेंट को आयोजित करने का सबसे सही तरीका यही है कि इसे 15 अप्रैल से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा, टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला अंदरूनी तौर पर ले लिया गया है और अब यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को कुछ अधिकारियों को छोड़कर सभी विदेशी वीजा को 15 अप्रैल तक के लिए रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले यह बताया गया था कि IPL 2020 को लेकर आखिरी फैसला शनिवार को यानी जो आने वाला कल है उसमें IPL गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी थी, उसमें यह फैसला लिया जाना था कि IPL कब से शुरू होगा। लेकिन दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बता दिया कि दिल्ली में IPL का कोई भी मैच नहीं होगा। इसके बाद BCCI की मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया कि अब IPL 29 मार्च से शुरू नहीं हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि IPL के कोई भी मैच यहां पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। BCCI और IPL टीम के मालिकों को भी शनिवार की बैठक होनी है। फ्रेंचाइजियां बिना दर्शकों के मैचों के आयोजन को लेकर तैयार हैं। वह हालांकि अपने विदेशी खिलाड़ियों को इस लीग में चाहती हैं। फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने बताया कि हमें यह बता दिया गया है कि IPL 15 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन हम विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर सफाई चाहते हैं। अगर हमारे 4 विदेशी खिलाड़ी नहीं होंगे तो IPL अपना वर्चस्व खो देगा, क्योंकि भारतीय सितारों की तरह वह भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। तो ये IPL को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो हम सबसे पहले लेकर के आपके सामने आए हैं। अब IPL 29 मार्च से नहीं होगा। IPL का पूरा शेड्यूल फिर से तय किया जाएगा, यानी कि जो शेड्यूल हमने आपको पहले बताया था जो अभी तक आप देख रहे थे वो पूरा शेड्यूल फिर से तय किया जाएगा। 15 अप्रैल के बाद कब से मैच शुरू होंगे ये भी अभी तय नहीं हुआ है। जैसे हम पहले आपके लिए पूरा शेड्यूल लेकर के आए थे, हर जानकारी हमने आपके साथ शेयर की थी, वैसे ही जैसे ही नया शेड्यूल फिर से तय होगा हम आपके सामने फिर से लेकर के आएंगे 15 अप्रैल से मैच शुरू होते हैं या उसके बाद से शुरू होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको अभी के अभी NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको घंटी बजानी है और लगातार NN स्पोर्ट्स के साथ बने रहना है। IPL की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले NN स्पोर्ट्स पर आपको मिलेगी।